मित्रों जय माता दी। मित्रों हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा अष्टमी का त्योहार मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन राधा रानी का जन्म हुआ था। राधा अष्टमी का त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद मनाते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे साल 2024 में राधा अष्टमी कब है, 10 या 11 सितंबर को अष्टमी तिथि कब शुरू कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आगे आने वाले सभी व्रत और त्योहारों की जानकारी आपको मिलती रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन व्रत रखकर राधा रानी और भगवान कृष्ण जी की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं की पूर्ति होती है और सुख समृद्धि में भी बढ़ोतरी होती है। राधा अष्टमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। एक साफ जगह पर चौकी बिछाकर राधा रानी और भगवान कृष्ण जी की मूर्ति स्थापित करें। दोनों को पंचामृत से स्नान करवाएं, नए वस्त्र पहनाएं, हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं, फल फूल अर्पित करें, अरबी की सब्जी या फिर अरबी से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। मित्रों साल 2024 में राधा अष्टमी 11 सितंबर 2024 दिन बुधवार को है। अष्टमी तिथि शुरू होगी 10 सितंबर की रात 11:11 पर और समाप्ति होगी 11 सितंबर की रात 11:46 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 11:03 से दोपहर 1:32 तक। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।